गाजियाबाद में कवीनगर पुलिस ने चार ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो रोड पर चल रही महिलाओं को शिकार बनाया करते थे। स्कूटी और मोटरसाइकिल पर पहले ये देख लिया करते थे कि कौन सी महिला ज्यादा महंगा मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही है और उसके पर्स में कितने रुपए हैं। इसके बाद टारगेट करके उसे लूट लिया करते थे। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा वारदातें ये बदमाश अंजाम दे चुके हैं। इनके पास से लूटे गए 19 मोबाइल फोन और 3 लैपटॉप के अलावा 1 स्कूटी और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने इनके पास से 2 चाकू भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि चाकू की नोक पर ये महिलाओं को डरा दिया करते थे और उसके बाद लूटपाट किया करते थे। पुलिस इनके बाकी साथियों की तलाश कर रही है। थाना कवीनगर में 4 लुटेरे पकड़े गए हैं। इनके पास से कुल 19 मोबाइल फोन और 3 लैपटॉप बरामद हुए हैं। पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि ये पिछले 4-5 महीने से लूट की घटनाओं को जनपद गाजियाबाद में अंजाम दे रहे हैं और इनमें जो इनके पास से मोबाइल और लैपटॉप रिकवर हुआ है वो यहीं कवीनगर क्षेत्र से लूटी हुई थी। इनमें से 1 व्यक्ति नेपाल का रहने वाला है, बाकी 3 यहीं रजापुर में रह रहे थे। पूछताछ पे इन्होंने अपना पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं होना बताया, फिर भी इस बात की हम जानकारी कर रहे हैं। बरामदगी करते हुए इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। 3 लोगों को खासतौर पे टारगेट क्या करते थे और कितने मोबाइल जो लैपटॉप में कनेक्ट थे? देखिए, इनके पास से कुछ अवैध असले भी बरामद हुए हैं। 1 स्कूटी और 1 सफ़ेद अपाची बरामद हुई है जिसको की लेकर ये घटना करते थे। तो जो भी कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो या कोई महिला हो जो कि जा रही हो उसे ये चुनौती करते।